Hello, assalamu alaikum. This is me, Ms. Najmis Sahar Khan from Satkan Education Services. Today I am giving you 24th lecture from chapter number 9. Today's topic of discussion is neutralization. When acid and alkali are mixed together, they cancel the effect of each other or neutralize each other. This process is called neutralization. Neutralization kya hai ki aapne acid aur alkali ko mix kiya. ठीक है, तो वो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को निल कर देंगे, खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे या कैंसिल कर देंगे. ये जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करने का प्रोसेस है ना, ये जो है न्यूट्रलाइज करने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. अब ड्यू टू दिस न्यूट्रलाइजेशन, जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या चीज फॉर्म होगी, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर, दो चीजें फॉर्म होंगी और ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है. Now look at the equation. When acid plus alkali, यानी कि acid और alkali को हमने add किया, then you get a neutral solution. And the neutral solution you have a salt and water. ठीक है, ये neutral होंगे तो ये कौन कौन इसमें solution में क्या होगा, एक salt होगा और एक water होगा. और ये neutral है, that's why it has a pH 7. क्योंकि neutral चीजों की pH जो होती है वो 7 होती है. This is also the example of neutralization in which the acid is HCl, hydrogen chloride या hydrochloric acid, और base means alkali, यानी कि जो alkali है वो कौन सा है, NaOH यानी कि sodium hydroxide. ठीक है, जब ये दोनों आपस में react करेंगे तो आपके पास salt बनेगा, जो कि salt क्या है आपका, NaCl sodium chloride और water that is H2O. ठीक है, यानी कि एसिड कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस कौन सी है या अल्कली कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों ने रिएक्ट करा, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट डेट इज NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर डेट इज H2O. अच्छा, H2O को हम H और OH इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आए एन आइन इज अ चार्ज पार्टिकल, जिस पे भी कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या कहा जाएगा, आइन कहा जाएगा. ठीक है, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज हाइड्रोजन आइन एंड क्लोराइड आइन. ठीक है, एंड ऑल अल्कलीज कंटेन हाइड्रोक्साइड आइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन सोडियम Na+ and hydroxide OH negative ion. During neutralization reaction, hydrogen in an acid is replaced by a metal and sodium chloride is formed. The hydrogen ion combine with OH ion to make water. अब इसको पहले समझें, ठीक है, देखिए, acids में hydrogen ion होते हैं, alkalis में OH ion होते हैं. हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्कलीज में जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उस पे होता है नेगेटिव आयन. ठीक है, एक एसिड से हाइड्रोजन आ रहा है, अल्कलीज से कौन आ रहा है, OH आयन. अब फॉर एग्जांपल एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, उसमें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है. ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. इसी तरह हमारे पास जो अल्कली है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव. अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी. अब जब न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन इन एन एसिड इज रिप्लेस बाय अ मेटल, यानी कि जो HCl में जो H है वो हटेगा और उसकी जगह पे कौन जाके बैठ जाएगा, Na. ठीक है, Na जाके वहां बैठ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो वो क्या बन फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl. अब वो जो हाइड्रोजन वहां से निकला है वो किसके साथ मिल जाएगा, OH के साथ, और फिर क्या बन जाएगा, वाटर, यानी कि HOH वाटर. Now look at the equation of neutralization reaction. क्या हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड मिक्स विद द बेस और अल्कली,
क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर और सॉल्ट. एसिड क्या है आपके पास? HCl. बेस क्या है या अल्कली क्या है आपके पास? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एसिड में से H रिमूव होगा और उसकी जगह पे जाके कौन बैठ जाएगा? Na. तो क्या फॉर्म हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट. ठीक है, अब ये जो एसिड रिमूव हुआ है, वो H रिमूव हुआ है, वो H किसके साथ जाके सिट कर जाएगा? OH के साथ. तो जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? वाटर, H2O. दिस इज आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ अगेन लुक द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन द फर्स्ट बॉटल यू हैव HCl. H पे सब पे पॉजिटिव साइन है, Cl पे सब पे नेगेटिव साइन है. ठीक है ना, आइंस अलग अलग हो गए. सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पे सब पे प्लस साइन है, OH पे नेगेटिव साइन. पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है. दोनों को मिक्स किया, न्यूट्रलाइजेशन, अब मिक्सिंग हो गई. ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? Na किसके साथ? Na जो है पॉजिटिव है, तो वो वहां पे किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ. तो NaCl फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड. वहां H पॉजिटिव है, वो यहाँ OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? HOH, मींस H2O, वाटर. सॉल्ट फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन. सोडियम क्लोराइड, NaCl, दिस इज कॉमनली नोन एज स्टेबल सॉल्ट. डिफरेंट एसिड्स ऑल्सो मेक डिफरेंट सॉल्ट्स, दैट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड मेक्स नाइट्रेट्स. अच्छा, आपने इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, इसमें जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो NaCl है, जिसको हम कॉमनली टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो भी कहते हैं. जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो ड्यू टू एसिड्स होता है. जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है वो ड्यू टू एसिड होती है. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड्स के सॉल्ट फॉर्म होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट्स के सॉल्ट फॉर्म होंगे, और अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट्स के सॉल्ट फॉर्म होंगे. नाउ यूजफुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नंबर वन, क्लीनिंग योर टीथ. व्हेनेवर यू ईट फूड, योर टीथ बिकम कोटेड विद शुगर. बैक्टीरिया फीड ऑन दिस शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच कॉज टूथ डिके. Most toothpaste are alkaline, slightly alkaline. Not only they remove bacteria, but also neutralize acid. अच्छा, देखिए, जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे टीथ जो होते हैं वो शुगर कोटेड हो जाते हैं. ठीक है, अब उसको रिमूव करना है शुगर को, क्योंकि वो शुगर जो है वो बेस्ट फूड होता है फॉर द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया उसको फीड करते रहते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं. अब अगर वो एसिड रिमूव नहीं होगा तो आपके पूरे टूथ क्या हो जाएंगे? टूथ डिके हो जाएगा. ठीक है ना, अब उसको रिमूव करने के लिए, वो जो एसिड रिमूव हुआ है तो अल्कली चाहिए. एसिड को अल्कली ही रिमूव करेगा क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. अब वो अल्कली कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट जो होते हैं वो स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं. वो टूथपेस्ट जब आप यूज़ करेंगे तो वो उस एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा. और दूसरा, वो क्या कर देगा? बैक्टीरिया वगैरह को भी रिमूव कर देगा. तो इस तरह से क्लीनिंग हो जाती है टीथ की. सेकेंड इज क्यूरिंग इनडाइजेशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन योर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. सम टाइम ड्यूरिंग अ बिग मील टू मच एसिड इज प्रोड्यूस, दिस कॉज इनडाइजेशन. इनडाइजेशन टेबलेट और एंट एसिड्स कंटेन मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड. अच्छा, क्या होता है, आपके स्टमक में हर वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इनर लाइनिंग से स्टमक की प्रोड्यूस होता रहता है. और द पर्पस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डाइजेशन ऑफ अ फूड. अब जब बहुत ज़्यादा कभी कभी खाना खा लिया जाता है तो एसिड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हो जाती है इनडाइजेशन. अब इनडाइजेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है. इनडाइजेशन नॉर्मली अगर कहा जाए तो इसको कहा जाए एसिडिटी. कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जो इस एक्सेस एसिड को क्या करे? न्यूट्रलाइज करे. तो नॉर्मली हमें क्या चाहिए? अल्कली चाहिए. अल्कली कहाँ से आ रहा है? एंट एसिड. वो जो टैबलेट्स होती हैं एंट एसिड की, इनडाइजेशन की, वो टैबलेट्स चाहिए. वो एंट एसिड्स में क्या होता है? कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो कि जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है ज़्यादा खाना खाने की वजह से, जो बदहजमी की एक कैफियत आ रही है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा
और फिर स्टमक के पीएच क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगी. नंबर थर्ड, टेकिंग द स्टिंग आउट. बी स्टिंग कंटेन एसिड्स, दैट वाई इट हर्ट्स वेन बी स्टिंग यू. पीपल यूज कैलामाइन लोशन बिकॉज इट कंटेन जिंक कार्बोनेट विच न्यूट्रलाइजेज द स्टिंग. एंट एंड नेटल स्टिंग आर एसिडिक. वेस्प स्टिंग आर अल्कलाइन. अ वीक एसिड लाइक विनेगर कैन गिव कम्फर्ट. अच्छा, बी स्टिंग, एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, ये तीनों क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. तो जब भी आपको इन चीज़ों ने अगर काट लिया तो आपको वहाँ पे इरिटेशन या दर्द या कुछ भी इस तरह की फीलिंग आती है. तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें अल्कली हो, तो कैलामाइन लोशन यूज़ किया जाता है. अल्कली जैसे कि जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, उसको, ताकि वो उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे और वहाँ पे आपको सूदिंग इफेक्ट फील हो. इसी तरह जो वेस्प का स्टिंग होता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है ना, वो अल्कलाइन होता है. अगर उसने आपको वेस्प ने काट लिया तो वो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, उसके लिए आपको चाहिए होता है, वेस्प अल्कलाइन है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, वीक सा कोई एसिड जैसे कि विनेगर वगैरह. अगर वो विनेगर वगैरह के कोई ड्रॉप्स डाल दिए जाए तो आपको वेस्प के स्टिंग से भी कंफर्ट मिल जाए, ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. सो यू होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.